जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफिया परवीन और आप देख रहे हैं बिहार टीवी। नालंदा में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात जिले की दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में बेखौफ बदमाशों ने एक बार फिर से दो लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी। पहली घटना तेलमर थाना क्षेत्र के भीड़िया गांव में घटी है, जहां फेक चुनाव की रंजीश को लेकर अपराधियों ने शंभू सिंह को गोली मारकर हत्या कर दिया। वही दूसरी घटना कराय पसुराय थाना क्षेत्र के चिश्तीपुर गाँव की है, जहाँ भी अपराधियों ने घर से बुलाकर बुजुर्ग को गोली मार हत्या कर दिया। घटना के बारे में बताया जाता है की बुजुर्ग बनेसर उर्फ साधु जी गाँव के कुछ लोगों को शराब और अन्य गलत कामों से दूर होने बात कहते थे, जिसे अपराधियों को नागवार गुजरा और उसे बुलाकर गोली मारकर हत्या कर दिया। पुलिस दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दी है। इसके पूर्व गुरुवार की रात्रि जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में बदमाशों ने चार लोगों की हत्या कर दी थी। इस तरह पिछले 48 घंटे के दौरान 6 लोगों की हत्या से पुलिस प्रशासन की चुस्ती पर एक बार फिर बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। किससे क्या घटना घटी? शाम के 4 बजे फेस्टिवल खेत वाला के पैसा देने गए, फिर उधर से लौट रहे थे, तो फिर 7:30 बजे के बीच में गोली मार दी। कौन मारा ये पता नहीं है सर। क्वारंटाइन सेंटर का कुछ पैसा लेकर आया? क्वारंटाइन सेंटर का पैसा लेके नहीं आया था, अभी पैसा निकला ही नहीं ब्लॉक से। उसमें पार्टनर थे, काम किए थे, पार्टनर थे उसमें। अच्छा। और थे फैक्स वाला चुनाव लड़े थे 6-7 महीना पहले, उसमें 2nd नंबर पर थे। अच्छा, चुनावी रजनी से करने की हत्या हुई है? नहीं, ये हम कैसे कह सकते, हम गांव पर नहीं रहते सर, पटना रहते थे। क्या लगता है आपको? क्या पापा है मेरे, क्या हत्या का कारण क्या लग रहा है आपको? इसे तो दुश्मनी इनको किसी से नहीं है सर, कैसे बताएं इसे? क्या नाम सर? हम लोग तो कुछ जानवे नहीं करते हैं, घर है, हम लोग तो बाजार जाके डेली कमाई वाला आदमी है सर। हम लोग घर जब आए हैं तो घर हम खाना खाला बैठवे किए हैं, तो गया एक लड़का पुकारे कि चाचा दादा जे भैया के अथी दादा के मंगला दादा के गोली मार दो चले आए। कारण क्या आपको क्या लग रहा है जी? कारण तो अब सर कुछ जानवे नहीं करे ना, हमारी लाठी डंडा लेके चले ही ना, गोली पीता जाना ही है। क्वारंटाइन सेंटर का कुछ मामला था क्या जी? ऐसे तो कुछ नहीं है हमारी के साथ हली सर, ऐसे हमारी निर्भय रही सब घड़ी की, कभी भी हम लोग को कहीं भी कहीं क्वारंटाइन सेंटर में काम करते थे। जहाँ क्वारंटाइन सेंटर में काम किया था, खाना बनवाए वाला काम। अच्छा, उसी को लेकर विवाद होते कुछ? अब ओकरा लगे ना, उस सब के लिए कोई विवाद तो नहीं था सर, ऐसा कुछ नहीं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का बहुत सारे यूजर्स ने कमेंट करके जवाब दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उनमें से कुछ के नाम है ताजुद्दीन कदरी, पीपे पाठक, MD जाहिद, दिल नवाज खान, रविराज गुप्ता। इनके अलावा और भी यूजर्स ने कमेंट करके जवाब दिया था। समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहें, कल हम आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल है, क्या नालंदा में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है? इसी प्रकार की आने वाली हर छोटी बड़ी ताजा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।